पिछले दिनों में हमने गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाए, अपने अपने तरीके से मनाए, अपने अपने समझ से मनाए। उनमें से कुछ बातें बाइबल के अनुसार नहीं हैं, फिर भी चलो मनाया। ठीक है, हम यीशु मसीह के सलीबी मृत्यु को समझ गए और उसके जी उठने की बात को समझ गए, लेकिन आज यीशु मसीह का प्रकाशन क्या है, आज वो आपसे मुझसे क्या कहना चाह रहा है वो मैं समझाऊंगी। लेकिन सिर्फ आज एक ही वचन पर, एक ही अध्याय पर ध्यान करते हुए उसी के आधार पर हम समझेंगे यीशु मसीह आज आपसे मुझसे क्या कहना चाह रहा है। हम देखते हैं लूका 24 अध्याय में यीशु मसीह के पुनरुत्थान का वर्णन है, जहाँ पर वो स्त्रियाँ कब्र पर जा रही हैं यीशु मसीह को ढूंढने, जबकि यीशु मसीह बार बार अपने शागिर्दों को बता चुके थे कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, और क्या कहा था, मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूँ। मगर ये लोग सुनते, सोचते, समझते, बताए जाने के बावजूद नहीं समझे और फिर भी जा रहे हैं ढूंढने, क्योंकि इंसानी बुद्धि है, इंसानी क्षमता है, और वो यीशु मसीह की उतनी बड़ी बात को नहीं समझे। तो क्या हुआ, आगे देखते हैं कि जब वो स्त्रियां जाती हैं कब्र पर सुगंधित वस्तु इत्र लगाने मसीह की देह पर, तो वहाँ जाके देखती हैं कि यीशु मसीह वहाँ नहीं है, और वहाँ उनको गवाही देने, उनको ये शुभ समाचार देने कौन आते, स्वर्गदूत। स्वर्ग से आया हुआ दूत ये गवाही दे रहा है, वो कह रहा है कि तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढते हो, वो यहाँ नहीं है पर जी उठा है। क्या कह रहा है, जिंदा को तुम मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। ये सवाल आज भी प्रभु का आत्मा आपसे मुझसे करता है बार बार, कि आप और मैं बार बार जो बोल रहे हैं, यानी भी हाल ही में यीशु मसीह के जीवित होने की खुशी मनाई, बहुत खुशी मनाई सबने अपने अपने तरीक़ों से, उन तरीक़ों से जो बाइबल के अनुसार है भी नहीं, जो बाइबल में लिखा भी नहीं है उनके अनुसार मनाई है हमने। ना बाइबल में अंडे का जिक्र है, ना बाइबल में बनी और रैबिट का जिक्र है, ना लिली वाले फूलों का जिक्र है इन बातों का, यानी कि नाम भी वो नहीं है। लेकिन चलो हम मनाते हैं, अपने तरीके से सोच के मनाते हैं। मगर यीशु मसीह कह रहा है कि जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। वो इस प्रभु के स्वर्गदूत भी वही गवाही दे रहे हैं, वही यीशु मसीह भी आज आपसे मुझसे सवाल पूछ रहा है कि आप और मैं क्या सोच रहे हैं। यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा है, बड़ी खुशी मनाई बस एक दिन। क्या वो सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा था, और कहाँ पर जिंदा था, एक स्थान पर। कार्ड्स पर, फोटो में हम देखते हैं वो कब्र के बाहर है, वो निकला है, वो जिंदा है, बस उसको वहीं सीमित कर दिया। जबकि यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं तो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और जीवित खुदा कहता है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, बल्कि अंत के दिनों में बहुतायत से अपना आत्मा उड़ेलूंगा। दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। आज हम ये सब विश्वासी लोगों की बात बता रहे हैं, जो नहीं जानते, जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, जो वस्ती पर विश्वास नहीं करते, उसे जानते नहीं, उनकी बात नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते। लेकिन ये उन लोगों की बात है जो रात दिन हालेलुया हालेलुया आमीन मसीह के उपवास प्रार्थना करने वाले, उसका सप्ताह हम मनाते हैं, होली वीक और क्या 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 मनाते हैं अपने तरीके से, जो बाइबल में भी नहीं है उस तरीके से भी मनाते हैं। लेकिन जब कोई बताए पवित्र आत्मा के वरदानों की बात, दर्शन की बात, भविष्यवाणी की बात, चंगाई की बात, मसीह ने मुझे ये अगुवाई दी की बात, तो हम उसको मृतक ही साबित कर देते हैं अपनी सोच विचार से, अपने ख्यालों से, अपने सवाल जवाब से। क्या कह के कि इसको कौन सा दर्शन हो गया, कहाँ यीशु मसीह है, किससे बात कर रहा है, कब बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है। अरे जब आप और हम मानते हैं कि यीशु मसीह है और जीवित है, तो जीवित तो बात करेगा, जीवित तो अगुवाई देगा, जीवित तो आपके साथ रहेगा। लेकिन वही सवाल मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझे मृतकों में क्यों ढूंढ रहे हो, फोटो में, तस्वीर में, जो सब काल्पनिक है, जो मसीह है भी नहीं वास्तव में, वो चित्रकार की कल्पना है, या उसको प्रेजेंट करने के लिए किसी व्यक्ति ने वो भूमिका निभाई है समझाने के लिए हमें कि क्या क्या हुआ था। लेकिन हम उन बातों को वहीं तक सीमित छोड़ देते हैं, देखा सुना हालेलुया आमीन की और बंद, आपकी और मेरी ज़िंदगी में है यीशु मसीह या नहीं, वो सवाल समझते हुए हम देखेंगे इसी अध्याय में आगे चलते हुए। जीवित हो गया यीशु मसीह और दो लोगों को दिखाई भी दिया, वो लोग बात भी कर रहे हैं मसीह के बारे में कि ऐसा उसने कहा था, वैसा उसने कहा था, हमें तो ये आशा थी, वो पहचान नहीं रहे यीशु मसीह को। तो देखिए क्या यीशु मसीह कह रहा है कि वो बात बोल रहे कि हमें तो आश्चर्य है ये सब बातें हुई, तो मसीह ने क्या कहा, 25वें वचन में कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्य वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धियों,
और फिर अपने बारे में लिखी हुई सारी बातें जो वो पहले से बोलता आ रहा था, जो भविष्यवक्ताएं भी बताते आ रहे थे, जो सब वो बता बता के वो बार बार उनके सामने पड़ी लेकिन वो नहीं जानते, यीशु मसीह ने फिर खोल कर स्पष्ट करी और उनको समझाई। आज यीशु मसीह आपको मुझे भी कह रहा है, मंदबुद्धियों निर्बुद्धियों, जो वचन है तुम्हारे हाथ में है, मसीह यीशु है, वो कह रहा है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना हूँ, अपना सहायक देके जाता हूँ, पवित्र आत्मा देके जाता हूँ। वो पवित्र आत्मा यानी जीवित परमेश्वर का आत्मा, और जो बातचीत करेगा आपसे, जो आपके साथ संगति करेगा, जो आपको शांति देगा, जो आपको आत्मिक वरदानों से, जो मनुष्य कितनी भी सामर्थ बुद्धि ताकत खजाने लगा ले वो नहीं पा सकता, वो जीवित परमेश्वर आपको और मुझे दे रहा है। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, फोटो में, कब्रों में, और जहाँ पर कुछ नहीं है। जो वचन हमें बता रहा है कि मसीह में जो विश्वास करते हैं वो भी जी उठेंगे, और स्वर्ग के राज्य की बात कर रहा है, तो हम किसको सजाने संवारने जा रहे हैं, मिट्टी को, जिस कब्र में मिट्टी है, कुछ नहीं है। मसीह पहले भी बोल रहा था कि मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूँ, मत्ती की पुस्तक में लिखा है, लेकिन शिष्य उस समय नहीं समझ रहे थे। लेकिन आप और मैं तो अब आपके मेरे सामने तो उससे भी अधिक बातें हैं, सबकी आंखों देखी बातें उन सारे शागिर्दों ने, उन सारे लोगों ने इस बाइबल में वो कीमती बातें लिख के रखी हुई हैं आपके और मेरे लिए, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई बातें हैं। तो वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है, हे निर्बुद्धियों मंदबुद्धियों, और फिर क्या कहता है, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो। यानी कि हम उतनी सीमित बातें इसको सोच रहे हैं, हिस्ट्री है, इसको हिस्ट्री की तरह अपनी बुद्धि ज्ञान में समझते हैं, यीशु मसीह की जीवनी बस समझ लेते हैं, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ क्रूस हुआ, कौन कौन जगह थी, वो सारा कुछ हम जान लिए, नॉलेज रख ली, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है, आप उसको नहीं पहचान रहे। ऐसे ही जैसे ये शागिर्द को दिखाई भी दे गया, उनकी आँखें बंद, उनकी समझ बंद, और वो नहीं समझ रहे कि उसके साथ ही चल रहे हैं, उसके साथ ही हैं, फिर भी पूछ रहे हैं और उसकी उसकी योग्यता पर सवाल कर रहे हैं, उसके वो प्रभु है या नहीं। वो कह रहे हैं हम निराश हैं, हमने तो सोचा था ये करेगा वो करेगा, निराशा दिखा रहे हैं। जीवित परमेश्वर उनके साथ है लेकिन वो लोग निराशा दिखा रहे हैं। यही प्रकाशन आज प्रभु का आपके और मेरे लिए है कि वो प्रभु जीवित है, उसको अगर जीवित समझना है तो समझिए। आज हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं इंसानी तौर तरीक़ों से, जो बाइबल में भी नहीं है बातें, उन तौर तरीक़ों से, ना बंद की बात है, ना रैबिट की बात है, ना लिली फूल की बात है, ना कब्रों पर जाके आराधना की बात है, कोई भी बात नहीं है, लेकिन हमने अपने अपने तरीके से बातें बना ली हैं। तो प्रभु कह रहा है कि जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते, का मतलब यही है वचन जो बार बार कहता है कि जो नहीं जानते हो, क्या कहते हैं, मूर्खों के समान, निर्बुद्धियों के समान। वो कहता है मूर्खों, जिसने आंखें बनाई क्या वो खुद नहीं देखता, जिसने कान बनाए क्या वो खुद नहीं सुनता, जिसने तुम्हारी मस्तिष्क बुद्धि समझ और मन बताया क्या वो समझता जानता नहीं है। क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा है वो उद्धार नहीं कर सकता, क्या वो जीवित नहीं है परमेश्वर, क्या वो मर चुका है परमेश्वर। वो सारे सवाल आज भी पूछ रहे हैं यीशु मसीह की, निर्बुद्धियों तुम कब समझोगे। ऐसा ही तो इन बातों से यीशु मसीह तो दुखी थे, खेदित थे, आज उसके लोग भी जो उसकी आत्मा से भरपूर लोग हैं, क्योंकि मसीह का आत्मा वही आत्मा है, अलग अलग नहीं है। जो मैं अपना आत्मा तुम्हें देके जाता हूँ, एक सहायक देके जाता हूँ जो तुम्हें सब कुछ बता देगा, सब कुछ, वो सब कुछ बताता है, सब कुछ का प्रकाशन देता है। लेकिन जब आत्मा से भरपूर व्यक्ति अपना प्रकाशन बताता है मसीही भाई बहनों से, तो वो एक नई चीज़ बोलने लगते हैं, ये तो पहले होता था, ये पहले होता था, वो बात पहले होती थी, ये बात पहले होती थी, यहाँ तक कि आत्मिक वरदानों की बात में भी बोलने लगे, वो पहले होता था, अब बंद हो गया, अब नहीं है, जो बाइबल में कहीं नहीं लिखा। बाइबल तो कह रहा है अंत के दिनों में मैं बहुतायत से अपना आत्मा उड़ेल लूँगा और बहुतायत से अभिषेक पाएंगे लोग। तो प्रभु आज कह रहे हैं मंद बुद्धियों, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, सामर्थी परमेश्वर हूँ, तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ, तुम मुझे किस चीज़ में ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढने जा रहे हो, मैं तो तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा स्वर सुन के खोलेगा मैं उसके साथ संगति करूँगा और वो मेरे साथ। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही पीड़ा की बात है कि वो लोग जो मसीह के होने का दावा करते हैं, रात दिन प्रचार की और हैलेलुया और आमीन आमीन की बातें करते हैं, वो जीवित परमेश्वर को एक मुर्दा परमेश्वर बना के पेश कर रहे हैं, जो सिर्फ फोटो में है या किताब में टेक्स्ट में लिखा हुआ है, हिस्ट्री की बात है,
उसके एक जीवनी की बात सिर्फ बताते रहो, लेकिन वो मसीह आपके मेरे ज़िंदगी में जो रोज़ काम कर रहा है, जो रोज़ प्रकाशन देता है, जो रोज़ बताता है, जो भविष्यवाणी की बात, जो चंगाई की बात, जो सारे आत्मा के वरदान प्रबलता से आपको देना चाहता है, आप हर हम उनको रिसीव नहीं करना चाहते, क्योंकि हम समझते नहीं। अभी भी हम मसीह यीशु को वैसे ही ढूंढने जा रहे हैं, सूली पर या उस फोटो में जैसे कब्र से निकलता हुआ। बस वो निकलने के बाद जीवित है, आपके और मेरे साथ संगति कर रहा है। प्रभु ये चाहता है कि आज आप और हम उस बात को जानें, और परमेश्वर ये चाहता है खास तौर से उन लोगों के लिए जो आज मसीह के होने का हम दावा करते हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि वो मसीह है, वो परमेश्वर है, वो जीवित है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो जानता समझता भी है, वो आपके निकट भी है। हम भूले बैठे हैं और हम सोच रहे हैं सब कुछ को हम अपने तरीके से चलाने लगेंगे। मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं, सबसे ज़्यादा जानकार शायद मैं हूँ, और प्रभु की आत्मा की बातों को हम ऐसे ही अनदेखा करते हैं कि मसीह साथ है और हम उसको नहीं पहचान रहे। तो प्रभु कह रहा है उन निर्बुद्धियों को कि मैंने जो कान दिए क्या मैं नहीं सुनता, मैंने जो आँख दिए क्या मैं नहीं देखता। मैंने भी ऐसे लोगों को देखा, आपने भी देखा होगा, जो पीछे कुछ और बात बिल्कुल ऐसा लगेगा सच बोल रहे हैं, रो रो के आंसू गिरा गिरा के दुखी परेशान होते हैं, सोचते हैं मैं इनसे कैसा पीछा छोड़ूं, और आप सामने देखोगे तो उनके चरणों में पड़े हैं, खुशामदबाजी कर रहे हैं, प्रेज़ कर रहे हैं, इंसान की इंसान से फ़ायदा पाना चाहते हैं, झूठ और मक्कारी कर रहे हैं, सारी कुटिलता कर रहे हैं, सारी बातें झूठ, और फिर मसीह की बातों को हम कहते हैं आमीन आमीन हालेलुया, और हम खरी बात करते हैं, हम खरा बात करते हैं, हम सोचते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं तेरे विचारों को दूर ही से पहचान लेता हूँ। भजन संहिता में लिखा है तेरा उठना और बैठना जानता हूँ, विचारों को दूर ही से पहचान लेता हूँ। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज प्रभु का प्रकाशन यही है कि उसके सलीबी बलिदान को, उसके जी उठने की बात को, उसके जन्म की पूरी जो भविष्यवाणी, पूरी जो योजना है, उसको आप दिन और तारीख और कैलेंडर और एक दो तीन उत्सव में नहीं बांध के रख सकते कि हुए और ख़त्म हो गए। उसकी जो खुशी है, उसका जो आनंद है, वो परमानेंट है और हमेशा के लिए है। तो आज बाइबल जो बताती है, प्रभु का आत्मा जो बताता है, उस पर ध्यान दें, क्योंकि मसीह का आना बहुत निकट है, बहुत निकट है। और प्रभु कहता है कि अब मेरा आना निकट है, और अब की बार परमेश्वर न्यायी परमेश्वर बन के आने वाला, न्यायी परमेश्वर। तो प्रभु के भय में रहें, ये जानते समझते हुए कि वो जीवित परमेश्वर है। आप जो कुछ बोलते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ सोचते हो, वो सब जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो मुर्दा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, और आपको और मुझे ज़िंदगी देना चाहता है अपने साथ। वो चाहता है यहाँ भी रहें तो जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ, और वहाँ भी रहें तो बहुतायत का जीवन पाएँ।